नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। इंडियन मीडिया वेलफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं सुरेश पुष्पाकर जी समाचार वार्ता से। और एक बहुत बड़ा एक ऐसा आज डिबेट का मुद्दा हुआ है कि मौत का मटका जो है, एक मटके को मात्र छूने से किस तरह एक बच्चे को जो है मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ जो है भाजपा के नेता भी हैं और कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ एडवोकेट्स भी हैं, समाज सेवक भी हैं। तो मैं सीधे चलता हूं इंग्लैंड में, जहां सुरेश पुष्पाकर जी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। पुष्पाकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव निशाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए। और आज का जो विषय है हमारा वो है मौत का मटका। तो मौत का मटका, ये कब तक मौत का मटका जो है ये फूटता रहेगा और ये कब तक ये मटका जो है मौत में तब्दील होता रहेगा, ये सिलसिला जो है सदियों से जारी है। और आज भी 75 साल हम अपने आज़ादी के मना रहे हैं और अभी भी ये जो प्रॉब्लम है ये हम देख रहे हैं हमारे देश में बढ़ती जा रही दिन पर दिन, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। हम ये कब तक मटके फोड़ते रहेंगे मौत के? और हमारे साथ आज इस पैनल पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो उपस्थित हैं हमारे अतिथिगण, बद्री नारायण जी, डॉक्टर जे के गौतम जी, शांत प्रकाश जाटव जी, बीजेपी से नेता हैं ये, और मनोज गोरखेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव निशाना जी। संत प्रकाश जाटव साहब के सबसे पहले मैं आना चाहता हूं। और सबसे बड़ा, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है दिन प्रतिदिन दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। संत प्रकाश जाटव साहब क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश नंबर वन पे रहा है 2020 का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है। देखिए, दरअसल क्या है राजीव जी, कास्ट के बारे में जिस तरीके से तमाम समय पर ये एट्रोसिटी के जो इश्यूज उठते हैं, उसके पीछे सत्यता तो है कि कई जगह पर ये कास्ट अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मगर कई जगह पर यह भी होता है कि इसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है और उसको राजनीतिक आधार बना करके इस पर काफी ज्यादा विवाद और इस तरीके से इश्यूज को उठाया जाता है। अगर हम पहले के आंकड़े देखें 2014 से अभी तक के, तो उसमें हमने ये देखा है कि अधिकांश जो केसेस हैं उसमें दोनों पक्ष जो है समझौता कर लेते हैं, या मोर देन 60% केसेस जो हैं वो रिवर्ट हो जाते हैं जिसमें उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं निकलती। तो इस तरीके से ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर ये घटनाएं होती भी हैं, तो इसलिए इसको कहा भी जाएगा कि एट्रोसिटी। मगर इनफैक्ट क्या है कि अगर हम बात करें इसके पहलू को जांचने की कि ये जो जो अनटचेबल कम्युनिटीज हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं, इसको हम लोग जो है अनटचेबल घोषित करते हैं, हम जिस तरीके से बात करते हैं कि ये जो लोग हैं ये सदियों से 5000 साल से शोषित पीड़ित वंचित हैं, बेसिकली ये जो सारा सिस्टम जो है ये 1911 से एस्टेब्लिश हुआ है। 1901 में जब छत्रपति साहू जी ने रिजर्वेशन देना शुरू किया मद्रास प्रेसिडेंसी के निर्देश पर, तो ब्राह्मण को 16% मतलब मुसलमान को 16%, ईसाई को 16% रिजर्वेशन दिया गया, 8% हिंदुओं को रिजर्वेशन दिया गया, 8% जो है वो डिप्रेस क्लास को, जो ब्रिटिशर्स के वो होते थे, क्या नाम है, नुमाइंदे होते थे, उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब जो 60% जो रिजर्वेशन हिंदुओं को दिया गया, उस रिजर्वेशन को और ज्यादा विभाजित करने के आशय से 1911 में जो जनगणना हुई उसमें हिंदुओं को 3 भागों में बांट दिया गया, एक हिंदू, दूसरा आदिवासी और तीसरा अछूत, डिप्रेस्ड क्लास। जो डिप्रेस्ड क्लास जो लोग होंगे उसके लिए 10 बिंदु उस वक्त के जनगणना आयुक्त ने जो है वो तय किए। उसमें जो मंदिरों में नहीं जाते, जो मंदिरों के गर्भगृह में नहीं जाते, जो वेद पुराण उपनिषदों को नहीं मानते, जो गाय का मांस खाते हैं,
जो पुरोहितों से पुरोहिता ही नहीं करते, जिनके पुरोहित पुरोहित नहीं जाते पूजा करने के लिए, जो अपने मुर्दों को दफन करते हैं, जिनको छूने से छूत लगती है, इस प्रकार के 10 मापदंड जो है ये तय किए गए कि इस आधार पर जो इनमें उभयनिष्ठ होंगे वो अछूत या डिप्रेस्ड क्लास कहलाएंगे। यहाँ पर कहीं भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं कर। राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, 2 मिनट सुनना पड़ेगी। हाँ 2 मिनट सुने राजीव जी। हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरूरी है कि इस चीज के पहलू को जानना। तो अब इसमें कहीं उल्लेख ये नहीं किया गया था कि जूते बनाने वाला अछूत होगा, टोकरी बनाने वाला छूत होगा, या कपड़ा बनाने वाला छूत होगा, यानी कर्म के आधार पर कहीं कोई भी अछूत होगा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया। ये सरकारी दस्तावेज है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्पीचेज एंड थॉट्स किताब में भी आपको मिलेंगे तमाम जगह पर। तो यानी जो हिंदू धर्म की उपेक्षा करेगा उसको ही वो दिया जाएगा, क्या नाम है, अछूत होने का। इस आधार पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने आप को डिप्रेस क्लास में भी शामिल कराया। उस वक्त में 1,56,00,000 लोगों ने लगभग इसमें अपने आप को, तो इस तरीके से ये कहना कि एक दूसरे से नफरत करने का सबब जो है वो कर्म के आधार पर है, यहाँ एस्टेब्लिश हो जाता है। और उसके बाद 1935-36 में जिस वक्त ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त 429 जातियां, उनको उस जाति की सूची में शामिल किया गया, अनुसूचित जाति में 429। और जब 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया तो वो 429 जातियां वो बढ़ाकर के 593 कर दी गई। और आज जब हम यहाँ 2022 में बैठे हैं, 1238 जातियां शेड्यूल्ड में शामिल हैं, शेड्यूल कास्ट है। तो मुझे आप बताएं कि 1935 से लेकर आज 2022 तक ये जो जातियां डबल हो गई, इसका क्या आधार है? हम केवल अनटचेबिलिटी या वोट लेने के लोभ के कारण से एक बहुत बड़े वर्ग को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो सब लोग उस घटना के पहलू के पीछे नहीं जाते। अभी जो राजस्थान में घटना हुई है, वहां पर अगर हम देखें तो उस स्कूल में 7-8 टीचर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी हैं, 70% से ज्यादा बच्चे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं। तो मुझे लगता है कि घटना की तह तक जाने की आवश्यकता है, तुरंत इसको एट्रोसिटी के साथ में जोड़ना। देखिए वहां पे टीचर ने उस बच्चों के साथ में जो हरकत की और बच्चे को जान देनी पड़ी, ये ठीक है, बिल्कुल इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मगर इस सारे मसले को एट्रोसिटी से जोड़ना, अब घड़ा जैसे बात मटके की हो रही है, वहां पर मटका है ही नहीं, वहां के बच्चों ने भी साबित किया। और मैं समझता हूँ आज के समय में ज्यादातर जगहों पर देश में मटके रखने का चलन नहीं है, टंकियां रखने का चलन है, और वहां पर ये जो है टंकी रखी हुई थी। मगर जो घटना हुई है उसके लिए टीचर को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए नियम अनुसार, मगर इसको एट्रोसिटी से जोड़ने से पहले हमें एक बार इसका पुनः आकलन करने की आवश्यकता है। बद्री नारायण जी, क्या आपको लगता है कि जो स्थिति बता रहे हैं कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जातिवाद की बात नहीं आ रही सामने? आपको क्या लगता है? आपने तो काफी संशोधन इसमें जो है किया हुआ है, काफी जो है रिसर्च भी किया है आपने। देखिए जो आपने और लेटेस्ट आंकड़े की बता दूं आपको, साल 2018-19-20 के अंदर हर साल आंकड़े जो है वो बता रहे हैं कि बढ़े हैं दलितों पर अत्याचार जो है, बढ़े हैं। मेरा नहीं है ये, लोकसभा के अंदर 2020 के अंदर आंकड़े पेश किए गए थे जिसके अंदर साफ तौर से दिया गया है कि हर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं, यानी अत्याचार बढ़ रहे हैं। देखिए राजीव जी, इस घटना में क्या हुआ है ये तो आप लोगों से ज्यादा आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट को ज्यादा एक्सेस होता है उन चीजों का। हम लोग तो एकेडमिक्स के लोग हैं, हम आपको ट्रेंड बता सकते हैं, पैटर्न बता सकते हैं जो इस समय समाज में हो रहा है। तो एक तो ये है कि देखिए, ये जैसा कि संत प्रकाश जी ने बताया, वो एक पूरा हिस्ट्री बताई कैसे कैसे बढ़ा, कैसे एक तरह का एक तरह की क्यों ये कैटेगरीज बढ़ती जा रही हैं, वो इलेक्शन सबसे जुड़ा उन्होंने, वो सही है। लेकिन जो समाज का कॉमन सेंस है, उस कॉमन सेंस में के कारण कई बार ऐसी एट्रोसिटी घटनाएं होती है।
और वो कॉमन सेंस धीरे धीरे बदल भी रहा है, चेंज भी हो रहा है मॉडर्निटी के आने के बाद। देखिए आधुनिकता बहुत बड़ा इंटरवेंशन है, इसे हमें मानना पड़ेगा। जो समाज में अभी तो रिकॉर्डिंग, अभी हम डाटा बना लेते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले डाटा तो नहीं बनाते थे। 100 साल के बाद ये बहुत बदला है भारतीय समाज, आधुनिकता आई है, उसके बाद भारतीय समाज में समरसता के भाव बढ़े हैं, समरसता की चेतना बढ़ी है। लेकिन कहीं कहीं स्ट्रेस जोन्स हैं, स्ट्रेन जोन्स हैं, जहां पर सोशल फैब्रिक हमारी डिसबैलेंस हो जाती है। इस तरह की घटनाएं उसका परिणाम है और वो उसके कारण भी ये घटनाएं होती हैं। और उसमें कॉमन सेंस में धीरे धीरे परिवर्तन को भी, यानी हम जब ये कहानी कहते हैं तो उसमें हमें ये भी कहना होगा कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बीच बीच में होती रहती हैं, जिससे हमारा हमें अपने को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, री इन्वेस्टिगेट करके अपने को बदलना चाहिए। नहीं आखिर और... ऐसा लगता है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, मेरा आंकड़े नहीं है तो लोकसभा के आंकड़े हैं, आंकड़े पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, आंकड़े जैसा मैंने आपको बोला कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, और अब वो, अब उसका तो देखिए, आप अगर आप FIR को एनालिसिस करेंगे, जैसे यूपी में क्या था, जब मायावती आई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप ये ज्यादा आप इसको रिपोर्ट मत करिए, एक समय के बाद उन्होंने रिपोर्ट करने को डिस्करेज करना शुरू कर दिया, पहले किया तो फिर बढ़ गया, फिर उनको लगा कि नहीं इससे तो बहुत सारा मिस रिपोर्टिंग भी हो रही है, बहुत सारे गलत रिपोर्टिंग भी हो रही है, तो उन्होंने उनको रोका। तो वो तो केस बाय केस देखना होगा उन आंकड़ों की सच्चाई क्या है, क्योंकि कई बार जो हम कहते हैं शायद वैसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो NCERB का अगर डेटा कह रहा है तो उसको मैं गलत नहीं कहूंगा, बट इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि डेटा को क्वालिटेटिव ढंग से भी स्टडी करना चाहिए। क्वांटिटेटिव ढंग से जो नंबर बता रहा है, क्वालिटेटिव ढंग से आप जाएंगे फील्ड में तो हो सकता है कुछ और सच्चाई भी दिखाई पड़े, लेकिन घटनाएं बढ़ रही हैं और उसका कारण है कि हम अपने कॉमन सेंस को नहीं बदल रहे हैं, हमारे भीतर जो हैबिटस है उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता इतना बड़ा इंटरवेंशन है जिसने समाज बदला है और धीरे धीरे समरसता की ओर समाज जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो स्ट्रेस जोन है, स्ट्रेन जोन्स है, वो ज्योग्राफिकली भी संभव है, कई इंटीरियर्स में जहाँ विकास नहीं है, आधुनिकता नहीं है, वहां इस तरह घटनाएं होती हैं, लेकिन कई जगह आधुनिकता है वहां भी होती है, शहरों में भी होती है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आधुनिकता इसका सबसे बड़ा कहते ना कैप्सूल है जिससे कि सारी समस्या का समाधान हो जाए, विकास और आधुनिकता और समरसता के भाव, ये तीन जब फैलते जाएंगे तो धीरे धीरे ये चीजें और कम होती जाएंगी। मनोज जी 75 साल हो गए आजादी को, क्या कहा जाए, छुआछूत अभी भी चरम पर है? जिस तरह राजस्थान का मामला आया कि बच्ची ने जो है मटका छू दिया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बच्चे की जो है 23 दिन बाद मौत हो जाती है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए ये घटना घटी है राजस्थान में और जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है कि वो राजस्थान में उसको से तो मार दिया गया है, जबकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। उसको भारतीय जनता पार्टी और उनके जो है सहयोगी दल, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है सबको पता है, और चुनाव जैसे जैसे वहां नजदीक आएंगे कुछ ना कुछ ये किसी भी प्रकार की घटना को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से राजनीतिक रंग देने का प्रयास ये लगातार करते हैं, और जो कि बहुत ही देश के लिए कि हम चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए किस हद तक लगातार गिरते जा रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने स्तर में गिरते जा रही है, किसका जीता जागता उदाहरण। वहां जो खबर आई है, जो सुनने में आया है, बिल्कुल नहीं हुई है, ये दो लड़कों का आपसी झगड़ा था, आपसी झगड़े की वजह से निश्चित तौर पे देखिए अपराध हुआ, वो बहुत ही दुखद घटना थी उसके एक युवा की मृत्यु हो जाना, लेकिन उसको ये ऐसा रंग दे देना, ये उससे भी बड़ा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये दलित होने के नाते। आपको मैं बता देना चाहता हूँ राजीव जी कि कांग्रेस ही एकमात्र इस देश में ऐसा दल है कि जिसने हमेशा से दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, दलितों को लगातार जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है प्रयासरत की, चाहे SC ST कमीशन बनाया हो या जो है दलितों के नेताओं को आगे ला करके सरकार में अवसर दिया हो, सरकार में शामिल उनकी सेवाएं प्राप्त करने का काम किया हो, चाहे बड़े बड़े देश के पदों पर बनाने का, राष्ट्रपति तक बनाने का काम और तमाम पदों पर बैठा, कि कहीं ना कहीं ये समाज को जो है अपने आप को लगे कि हम लोग कहीं किसी से पिछड़े नहीं है, और ये जो छुआछूत की जो एक रोग था, जो आपस में समाज में बांटने का जो एक विनाशकारी, एक जो हमारे समाज में एक विषकारी एक जो नीति थी, उसको दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार
आजादी से पहले और आजादी के बाद, और अब तक हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं और हम इसमें बहुत हद तक कामयाब भी। डॉक्टर जी, मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि जातिवाद के नाम पर कमीशन तो बना दिया, तो क्या लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है? डॉक्टर गोरकेला इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज गोरकेला जो डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट में। राजीव जी, मेरा एक सवाल है अनुज अत्रे जी से। जी 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 अनुज अत्रे जी, हमारा सवाल ये है आपसे, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया दलित वर्ग के लिए, हमारा सवाल ये है कि जातिवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर यहाँ राजनीति क्या सही है? सरासर गलत है। मैं तो पहला ही, मेरी लाइन यही थी कि जिस तरह से ये केवल राजनीति करने के लिए जो है जातिवाद का सहारा लिया, धर्म के आधार पर लोगों को, ये काम तो आजादी से पहले इस देश में किया था। नहीं, कहीं ना कहीं मेरा, हमारे मेरा, देखो मेरा सवाल क्यों आपसे ज्यादा बनता है कांग्रेस पार्टी के नेता से, वो इसलिए कि सबसे ज्यादा आजादी के समय के बाद सबसे ज्यादा जो राज किया है देश में वो कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं जाति प्रथा को खत्म करने की कोई पहल की? मुझे लगता है कि ये आप एक वरिष्ठ हैं, आपको ये सवाल कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगता है कि कांग्रेस ने पहल नहीं की। अगर कांग्रेस ने नहीं पहल की तो आप देखिए ना, 47 से लेकर के आज तक जो है 2022 का ही ले लीजिए, हम 2014 की भी बात नहीं करते, क्या समाज में परिवर्तन नहीं आया? किस तरह से पहले समाज में एक जातिवाद का कितना एक गहरा हमारे समाज में, गांव में, शहरों में कितना बड़ा थी, क्या उसको कम करने के लिए प्रयासरत नहीं है? क्या आज हम लोगों ने जिस तरह से दलितों को, चाहे पिछड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, किसी भी हो, चाहे आदिवासी हो, जुड़ने के लिए लगातार प्रयासरत नहीं हुए? क्या ऐसी योजनाएं सरकार ने नहीं बनाई कि जिससे वो आगे बढ़ के आए, आगे उनकी युवा पीढ़ी, उनके बच्चे, उनकी अगली पीढ़ियां जो है आगे आकर के मुख्य धारा में जब जुड़े हैं, समाज हमारा उठा है, समाज ना केवल सामाजिक तौर पर उठा है बल्कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है। तो ये सब देन कांग्रेस पार्टी की देन रही है। नहीं, डॉक्टर मनोज गोरकेला, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही है आवाज। निशाना जी, जी 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 निशाना जी, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और आज मैं 17 साल से सुप्रीम कोर्ट में हूँ। मैं जितने भी श्रोता हैं उनको ये बताना चाह रहा था, मैं किसी पॉलिटिकल, मैं एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते ये बात कहना चाह रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई वो नहीं है, किसी कोई कंप्लेन किया, कोई रेवेंज नहीं है। मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में 130 करोड़ लोग हैं और 40 करोड़ लोगों के घरों में कितनी एट्रोसिटी होती है, आज भी गंदे गंदे वर्ड बोले जाते हैं। आज इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहा जाता है STSC, बट उनको दलित बोला जाता है, उनको हरिजन बोला जाता है, उनको और भी गंदा गंदा वर्ड बोला जाता है, बल्कि ये सिचुएशन इस देश के कई बार पार्लियामेंट में भी देखने के लिए मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरे पास, कई लोग मेरे पास आते हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, और उनके साथ एट्रोसिटी होती है, उनके साथ रेप होता है, उनके साथ मर्डर होता है, लेकिन वो थाने तक आवाज ही नहीं जाती। और इतनी, मैं तो पूरे अभी जो है मध्य प्रदेश का डाटा कलेक्ट कर रहा था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे जो भाई है STSC लोग कि उनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहीं से कोई एक ऐसा मामला जो है आता है, अभी एक ऐसा मामला आता है जिसमें कि हम FIR करवाते हैं, जिसमें पूरे देश में नेशनल न्यूज की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको इतने सारे डाटा दूंगा, इतने सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें नेशनल न्यूज छोड़ो, लोकल न्यूज में भी नहीं आते हैं उनके खबरें। ये बुरा हाल है इस देश के STSC लोगों का, इतनी सारी एट्रोसिटी होती है इस भारत वर्ष में। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब आज मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं, पूरा देश जानता है कि मिस्टर मनोज गोरकेला आदिवासी के लॉयर हैं, STSC के फेवर में केस लड़ते हैं। तो आज एट्रोसिटी एक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन वापस लाके तब जाके एट्रोसिटी एक्ट में हम जो है वो जंग जीता है हमने इतनी मेहनत करके। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि FIR नहीं होती, अब इस केस में FIR हो गई, इस देश में FIR छोड़ो, ये मामला इंटरनेशनल मामला गूंज गया है, इंटरनेशनल मामला हो चुका है, नेशनल मामला हो चुका है। ये मटका था नहीं था ये कहना आपका अधिकार नहीं, ये कहना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अधिकार है। आप पढ़िए सेक्शन 161, आप पढ़िए सेक्शन 154, FIR हो गई वो डिसाइड करेगा इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जज के पास फाइल होगी और वो इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे तथ्य छुपाए जाएंगे, नहीं छुपाए जाएंगे, वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या पता वहां पर मटका था, आपने, मैंने तो नहीं देखा ना, किसी और ने तो नहीं देखा ना, क्या पता वहां पर मटका हो,
क्या पता वहां पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर हटा दिया गया हो। देयर आर मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन ये एक लाख मुकदमों में से एक मुकदमा जब नेशनल लेवल पर आता है उसमें भी हम लोग जो है नेगेटिविटी कहते हैं, वो नहीं था, ये नहीं था, ये मामला नहीं था, इसको एट्रोसिटी न किया जाए, इसको वुमेन अगेंस्ट वुमेन न किया जाए, इसको ऐसा न किया जाए, वैसा न किया जाए, ये भारत वर्ष का दुर्भाग्य है। बिल्कुल आपकी बात सही है, चलते हैं। और मैं आपको जिस तरह से अभी निशाना जी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं जनरली किसी न्यूज उसमें नहीं आता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट पे आया हूँ मैं। और मैं आपको और एक संडे ही मिलता है हमको, रात के 5 बजे तक काम करना पड़ता है हमको, आज भी जो है मुकदमे लगे, लिस्टिंग मैटर है मैटर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ये गलत था, मटका था नहीं था, वहां पर लोग थे नहीं थे, वो केस हुआ नहीं हुआ, ये कहने का अधिकार सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को है, वो भी कोर्ट में, और कोर्ट डिसाइड करेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपील करता हूँ इस देश के पार्लियामेंट से, मैं अपील करता हूँ इस देश के पार्लियामेंटेरियन से कि हमें एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए। आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे कुछ वकील मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम केस लड़ना चाहते हैं गवर्नमेंट के, हम केस लड़ना चाहते हैं इसमें, वो जो पीड़िता की तरफ से, लेकिन वो उसको नहीं मिल पाता है। मैं चाहता हूं आज की डेट में कन्याकुमारी से बंगाली खाड़ी तक अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा होता तो बैंक का पैनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल है, आज ONGC का पैनल है, आज इंडियन ऑयल का पैनल है। हमें इस देश में SC कमीशन को या फिर भारत के पार्लियामेंट में ऐसे एक्ट लाने की जरूरत है जिसमें भारत के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 वकील पैनलिस्ट होने चाहिए SC कमीशन के पास, ताकि वो उनका केस लड़े। क्योंकि देखो मुकदमा देखिए ऑफेंस हो जाता, जिस दिन FIR होती है पूरे देश में हंगामा मच जाता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जैसे अभी 1 महीने बाद ये मामला जो है ठंडे बस्ते में चले जाएगा और उसके बाद चलेगा ट्रायल, और ट्रायल में हमारे पास अच्छे लॉयर नहीं होते, पीड़िता की तरफ से अच्छे लॉयर नहीं होते, एक्सपीरियंस लॉयर नहीं होते। और आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे लॉयर ऐसे ST SC के जो लोग पैनलिस्ट बनना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं देश का एक ऐसा सिस्टम हो, जैसे कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि एक पैनल हो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पैनल हो, उसकी मॉनिटरी दिल्ली से करें, SC कमीशन उसकी मॉनिटरी करें, नेशनल SC कमीशन करें, स्टेट कमीशन उसकी मॉनिटरी करें, ऐसे एक्ट की जरूरत है भारत वर्ष को, तब हम कहेंगे इस देश से एट्रोसिटी एक्ट थोड़ा कम हुआ, -0.001% कम हुआ। आज मैं खुद ट्राइबल एरिया से हूं, मैंने आज भी सफर किया हमारे एरिया में। आज आपको बताऊं, एक उत्तराखंड का खबर था, एक व्यक्ति गर्दन काट के, मैं भी गया उसमें पैदल मार्ग, मैंने किया था गर्दन का, उसने चक्की में हाथ लगाया, वो गर्दन काट के थाने में रखा, उसने थाने के ऊपर टेबल पर रखा, बोला मैंने इसकी गर्दन इसलिए काटी, मैं मैसेज देना चाहता हूं भारत के लोगों को कि आज के बाद किसी ने चक्की छुई तो ऐसे गर्दन थाने में रखी जाएगी। ये मेंटेलिटी है, ये मानसिकता है हमारी, हमारे इस देश के लोगों की। अगर कहीं पर 1,000 मिलियन, कभी जाइए ना आप उन जगहों पे, आप जाइए कभी मेरे गांव पे कि वहां पर गांव की स्थिति क्या है, आप जाइए कभी कर्नाटका के जंगलों में, आप जाइए छत्तीसगढ़ के जंगलों में, मैं छत्तीसगढ़ के हाईकोर्टों में मुकदमा लड़ रहा हूं, मुझे पता है किस तरह का मैटर है। तो मेरा निवेदन है आपसे, इस पर आप एक ही अपील करिए कि बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हो, CBI इन्वेस्टिगेशन करें और फास्ट ट्रायल कोर्ट चले और 1 साल में इसको सजा मिले। इसको मर्डर हुआ है भाई, मौत हुई है किसी की, बिल्कुल गलती से कोई आदमी अगर ऐसे मर जाता है, कोई आदमी अगर ऐसे मर जाता है, कोई आदमी फांसी लग के मर जाता है, कोई आदमी ऐसे मर जाता है, उसके खिलाफ FIR होती है, मर्डर केस होता है, ट्रायल होता है, बाप सब कुछ होता है। एक आदमी की मौत हो गई, वो भी वो सस्पेक्टेड मौत ही नहीं है, उसमें भी हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। What difference between atrocity act and murder case 302 and section 3? भाई section 3 से तो ज़्यादा खतरनाक 302 है ना? ये मेरा कहना है आप सभी से, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे अंदर दर्द है, मैंने वो सफर किया है चीजें, मैं आई विटनेस हूं उन लोगों का जिनके लिए हाईकोर्ट क्वेश्चन कर देती है मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर देती है, ट्रायल FIR क्वेश्चन हो जाती है, अब खत्म हो जाती है उनकी लाइफ। आई हैव सीन, मैंने अपने आंखों से देखा है, नकेटाकों से। ये मेरा आपसे निवेदन है, धन्यवाद। बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं FIR तक दर्ज नहीं होती है, ये बात सच्चाई है। और कई बार मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोगों ने खबर रूटीन में करते थे क्राइम की, तब जाकर के कहीं ना कहीं जब खबरें चलती हैं तब जाकर FIR होती है। प्रीता हरित के पास चलते हैं, जो समाज सेविका हैं, दलित समाज के लिए काफी संघर्षशील रहती हैं। प्रीता जी, आपने देखा कि अभी तक दलित समाज के कुछ टाइम पहले, 1 हफ्ते से ही लोग सोकर के जगे हैं, क्या लगता है कि समाज के लोग भी दोषी हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए नहीं आ सकते? डॉक्टर अंबेडकर ने 3 चीज कही थी और 3 चीज में मुझे नहीं लगता कि आज जो है दलित समाज उन कदमों पर चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजीव जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हमारे देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए, और
इन 75 वर्षों के बाद जिस दिन खास तौर पे जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से भाषण था, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले दिन, उसी दिन हमें उससे एक दिन पहले हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मासूम की जान चली गई। और वो इसलिए चली गई कि उनके टीचर ने उनके थप्पड़ों से मारा और 20-22 दिन से वो बच्चा हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा था और वो उस संघर्ष को हार गया। जिस दिन देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए, उस दिन इस देश के एक बहुत बड़े हिंदी बेल्ट के राज्य का एक मासूम बच्चा जीवन मृत्यु की संघर्ष में, मौत की लड़ाई में हार गया, जीवन की लड़ाई में हार गया। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उस घड़े ने कुछ ऐसा गढ़ा कि दलित का शर्म सर जो है गढ़ गया, शर्म से गढ़ गया। आज हम शर्म से गढ़े हुए कि हम इस बात के सबूत ढूंढने की बात कर रहे हैं कि वहां घड़ा था ही नहीं। अरे एक व्यक्ति की जान गई है, एक मासूम की जान गई है, मारने से जान गई है, और उसके अलग अलग नैरेटिव आ रहे हैं, पार्टियों के नैरेटिव आ रहे हैं। कौन सी पार्टी वहां सत्ता में बैठी है, कौन सी पार्टी केंद्र में बैठी है, कौन सी पार्टी वहां जाके अगले आने वाले वर्ष में चुनाव लड़ना चाहती है। तो दलित का मुद्दा जो उत्पीड़न का मुद्दा है, जो सबसे बड़ा शर्म का मुद्दा है, आज उसमें हम पार्टियों के नैरेटिव गढ़ रहे हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं कि घड़ा था या नहीं था सबूत। अरे दलित की जो मृत्यु हुई है वो अपने आप में क्या कम सबूत है? बच्चे की जो जान गई है क्या वो अपने आप में कम सबूत है? तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातें जो उठ रही हैं, चारों तरफ से खींचातानी चल रही है, वो बिल्कुल गलत है। इस देश में उत्पीड़न रहा है, 75 वर्ष पूरे भले ही हो गए हो, उत्पीड़न में कमी नहीं आई है, बल्कि उत्पीड़न और भी न्यूआंस हो गया है, और भी उस बहुत ही गहरे तरीके से, बहुत ही महीन तरीके से, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। जो उत्पीड़न पहले जाति सूचक शब्दों के माध्यम से किया जाता था कि चमार बोल दिया या ये बोल दिया, आज वही उत्पीड़न उतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से, मॉडर्न तरीके से हो रहा है कि गला भी देता जा रहा है, काटा भी जा रहा है, और पता भी नहीं लगने दिया जा रहा कि वो गला हमारी जाति के होने के कारण काटा जा रहा है, कि हमारे जो समाज में जो महिला के साथ जो दिन रात जो संघर्ष हम कर रही हैं, दलित महिलाएं, उनको सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है कि वो दलित महिला होती ही रेप के लिए है। इस तरीके का माहौल चल रहा है। मेरा ये कहना है कि आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है। राजस्थान में, राजस्थान का जो प्रदेश है, मैंने पूरा कई बार दौरे किए हैं, मैं राजस्थान के गाँव गाँव में गई हूँ, मैंने देखा है आज भी पानी पिलाने से पहले, चाय तो बाद की बात है, पानी तक पिलाने से पहले व्यक्ति की जाति पूछी जाती है। और चाय पानी पिलाया जाता है तो नीचे बैठा करके, फर्श पे नहीं, जमीन पे बैठा करके। और आज भी यह स्थिति है राजस्थान के गांवों में कि सामने से यदि निकल रहे तो जूती उठा के हाथ में ले लेनी पड़ती है, अपने यहाँ बगल में दबा के जब नंगे पैर निकला जाता है। ऊंची जातियों के लोगों के समय, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगी, मगर सभी जातियां हमारी जातियों से, तो सभी जातियां तथाकथित हमारी जाति नीची है, उन लोगों की जातियां ऊंची हैं, और हम उसी संघर्ष में जी रहे हैं। और जब इस तरह से मृत्यु हो जाती है, जो घटना इस तरह से अखबारों में आ जाती है, मीडिया के माध्यम से उछल जाती है, तो उस घटना में हम सबूत तलाश करने लग जाते हैं कि उस गांव में तो मटका था ही नहीं। अरे मटका था या नहीं था, मृत्यु तो हुई है ना, दलित के बच्चे की जान तो गई है ना, इतनी बड़ी बात हुई है, और उसके बाद में शर्म आनी चाहिए, हमें लानत आनी चाहिए कि हम उसमें पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि हम कांग्रेस का नैरेटिव दे रहे हैं, कि हम फला पार्टी का नैरेटिव दे रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में, पूरे सूबे में कहीं भी एक भी घटना यदि घटती है तो उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे याद है ये संविधान में हमें कानून दिया गया, संविधान पूरा है, एक तरह के संविधान हमारा स्थापित है, उस संविधान के माध्यम से सभी समान है, छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया है, और उत्पीड़न के घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, कानून के माध्यम से भी सब समान है, कानून के समक्ष सब समान है। लेकिन कानून की सेवा हमें कितने लोगों को मिलती है, आप ये हमें बता दीजिए कि कितने लोगों को हम मिलती है। इसके बाद में सामाजिक स्थिति देखिए, समाज में जातियां, एक समय पे जातियों की संख्या कम थी, आज बहुत सारी उपजातियां हैं। और दुख की बात तो यह है कि जिन बाबा साहब का हम नाम लेते हैं, जिन बाबा साहब की विचारधारा पर हम दिन रात चलते हैं, फॉलो करते हैं, उन्होंने जब कहा कि
मैं जाति विहीन समाज चाहता हूँ, एक ऐसा समाज चाहता हूँ जिसमें जाति के आधार पर, धन के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई व्यक्ति छोटा बड़ा ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। उसी समाज के हम लोग आज अपनी जाति से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं फला जाति का हूँ, मैं फला जाति की हूँ, तो मैं जो है मेरी जाति श्रेष्ठ है, गर्व से कहो कि हम ये हैं। जिस जाति के नाम पर, जाति सूचक शब्द बोलने के नाम पर, यहाँ पर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए, उस जाति को अपने मुंह से हम बोल करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरी ये जाति है, गर्व से कहो मैं ये हूं, गर्व से कहो मैं वो हूं। तो जब कोई सामने वाला दूसरी जाति का व्यक्ति हमें बोल देता है जाति का सूचक नाम, तो हम क्यों रोते रोते पुलिस थाने में जाते हैं, कहते हैं कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द करके मेरा अपमान किया? क्यों नहीं कहते कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द करके मेरे को गौरव दिया? तो ये विरोधाभास जो समाज में पनप रहा है, ये समाज को कहां लेकर जाएगा? अनुज जी, आपके पास फिर मैं आता हूँ। यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया है प्रीता हरी जी ने कि राजस्थान के कई अभी गांव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी चप्पल उठा करके सामने से निकलना पड़ता है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो है 7,017 मामले 2020 के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है दलितों के साथ अपराध हुए हैं। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो हम लोग बिहार आता है, 7,368 मामले हैं, और नंबर वन पर जो है उत्तर प्रदेश है, 12,714 मामले। जी अनुजी, हर प्रदेश में ये स्थिति है कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। सर, आजाद भारत के वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, आजादी की हमारी आयु बढ़ती जा रही है, देश 75 साल आजाद हुए हो गए, इधर उत्पीड़न के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा ये कहना है, मैं अपनी बात को समाप्त नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यदि आपको मेरी डिबेट चालू रहेगी, अभी डिबेट चालू रहेगी, फिर आपके ही सवाल पर मैंने जो सवाल किया है अनुजी से। ठीक है, देखिए राजीव जी, बिल्कुल बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर कहीं भी ये हम देश को जो है खंडों में नहीं बांटना चाहिए। आज हमारे देश में एक भी गरीब, एक भी पिछड़ा, एक भी किसी भी जाति वर्ग का, चाहे दलित हो या आदिवासी हो, कोई भी हो, अगर कहीं भी किसी के साथ सामाजिक तौर पर कुछ अत्याचार होता है, मैं तो अत्याचार ही कहूंगा कुल केस में, या कहीं भेदभाव होता है, हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए सभ्य समाज के होने के नाते। अभी आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा, 8 वर्षों में जो सबसे ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सत्ता में आई है, रिपोर्ट बताती है कि 9.5% जो है दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ोतरी। ये सरकार की, इस सरकार की जो विफलता कही जाएगी कि जिस तरह से हम लोग जो है उसमें एक धीरे 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 इसको अभिशाप को हम खत्म करने की तरफ प्रयासरत थे और काफी हद तक खत्म कर दिए गए, लेकिन इनके आने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं याद होगा आपको कि जिस तरह से संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बार कहा था कि SC/ST एक्ट के लिए भी इस सरकार ने जो है छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, उसको, उसकी मूल भावना को खत्म करने का इन्होंने कोशिश की थी, बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था इसी सरकार के खिलाफ। तो ये सब उसी चीजों की देन है कि आज समाज में ये, आज भी ये चाहते हैं कि एक कहीं ना कहीं एक हमारे बीच में खाई पटी रहे, कहीं ना कहीं इस तरह से भेदभावपूर्ण नीति जो लगातार चलती जा रही है उसमें बढ़ोतरी हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती थी कि इस चीज को खत्म किया जाए। आपस में हम सब लोग जो है, भगवान ने हम सबको एक रूप में बना करके भेजा है, सब लोग ऊपर वाले की संतान के रूप में आए, ये तो यहाँ पर नीचे आकर के जो है हम लोग सामाजिक तौर पे आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे एक दूसरे को बांटने का प्रयास करते हैं। मेरा ही मानना है, हम सब लोग, अनुज जी, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस केस में दो आप तो खैर कांग्रेस पार्टी में हैं, आप एक समझदार व्यक्ति लग रहे हैं बातों से, आप दो काम कर दीजिए इस केस में। एज ए लीगल एक्सपर्ट होने के नाते मैं कह रहा हूँ आपसे, मुझे अभी मानक उपाधि LLD की भी मिली है कर्नाटका से। मैं आपसे पहली चीज ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में आप इन्वेस्टिगेशन का डेट फिक्स कर दीजिए कि 30 दिन या 90 दिन, सॉरी मिनिमम 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और फाइल हो जाए। और दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार के कोई मुकदमे लगते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो कांग्रेस सरकार बड़े बड़े वकील इंगेज करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट के मैं 5 नाम देता हूं लॉयर्स के, सीनियर लॉयर्स के, आप उनको स्पेशल काउंसिल अपॉइंट कर दीजिए इस केस में, और फिर देखिए रिजल्ट इसका। इतना दो काम आप कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप उसको पकड़ के फांसी लगा दो सुबह या शाम को लगा दो, क्योंकि देश का जो सिस्टम है कानूनी व्यवस्था, वो कानून के हिसाब से चलेगी, वो CRPC के हिसाब से चलेगी।
एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद फिर चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद ट्रायल चलेगा। बस आपसे दो रिक्वेस्ट है। आपसे पहला रिक्वेस्ट यह है कि इन्वेस्टिगेशन आपके हाथ में, क्योंकि स्टेट बॉडी इन्वेस्टिगेशन करती है, आप एक डेट फिक्स कर दीजिए, इतने दिन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मोस्ट कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाइए आप स्टेट का, उसको इन्वेस्टिगेशन फाइल कर दीजिए। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप जब भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लगते हैं, आप बड़े बड़े वकील करते हैं और लाखों रुपए उनकी फीस देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, आप इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर लॉयर का नाम देता हूं मैं, उनमें से एक को स्पेशल काउंसिल बना दीजिए, वो हर डेट में जाएंगे और ट्रायल कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये दो प्रेयर है मेरी आपसे। थैंक यू। बिल्कुल, इस समय हम शांत प्रकाश जाटव जी के पास चलते हैं। मैं जवाब दे दूं राजीव जी, जरा 10 सेकंड दीजिए, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। मनोज जी ने जो कहा है वकील साहब ने, बहुत अच्छी इन्होंने एक सुझाव दिए। निश्चित तौर पे मैं व्यक्तिगत तौर पे जो है लिखूंगा, अपने मुख्यमंत्री जी को भी भेजूंगा, लेकिन आपको मैं एक आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की जो सरकार है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, बहुत ही गंभीर है। कभी कोई भी ऐसी घटना अगर आ जाती है, एक भी ऐसा मामला, ये तो बहुत बड़ा हाईलाइटेड मामला हो गया, अगर छोटा सा भी मामला आ जाता है गांव से कहीं भी, जिसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, उसको भी सख्त प्रशासन को निर्देश है कि सख्ती से निपटा जाए। और आपको मैं बताऊं, ये मामला जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेरे को डेज की तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लीगलिटीज में नहीं जाता हूं, लेकिन इतना आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि ये सरकार इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की तैयारी कर रही है, और इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते ही अपने आप एक लीगल पर्सन है, आप एक एडवोकेट है, आप जानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने का मतलब क्या होता है, अपने आप ही उसकी सुनवाई डेली हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, और बहुत जल्द इसमें जो है। अनुज जी, फास्ट ट्रैक वाला बात का इशू है, मैं चाहता हूं आपके स्टेट का मोस्ट कॉम्पिटेंट एक टीम बनाई जाए, वो इन्वेस्टिगेशन करे, वो चार्जशीट फाइल करे, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी फास्ट ट्रैक पे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये सब होगा, फास्ट ट्रैक पे जाए। और दूसरा 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 मेरा रिक्वेस्ट, दो रिक्वेस्ट है, दो रिक्वेस्ट। देखो, हम बहस करेंगे फिर चले जाएंगे अपने घर में खाना खाएंगे, फिर मामला खत्म। बहस का विषय नहीं है इसमें, कोई बहस का विषय नहीं, हम सब एक। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप जब भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लगते हैं, जिसमें कभी मुख्यमंत्री का मामला लग गया या किसी बड़े नेता का मामला लग गया, तो आप देश के टॉप 5 वकीलों में से एक वकील इंगेज करते हैं। मैं चाहता हूं इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के 5 वकील नाम में देता हूं, मैं डिस्कशन करूंगा उन सीनियर लॉयर से, आप उनको स्पेशल काउंसिल अपॉइंट कर दीजिए, बस। ठीक है, आप दीजिए, आप मुझे उनका नामों का प्रस्ताव। और ये हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल काम होगा आपकी तरफ से। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप जो नाम देंगे मैं निश्चित तौर पे, और एक बिल्कुल जो हमारी सरकार के कॉम्पिटेंट है, जो बिल्कुल इसमें कंसर्न है, वहां तक पहुंचाना मैं सुनिश्चित करूंगा। बिल्कुल, शन प्रकाश जाटव साहब, मैं आपके पास आता हूँ। अरुण जी ने साफ तौर से कहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है, क्योंकि इलेक्शन को देखा जा रहा है, और सवाल आपके ऊपर आता है, भाजपा के ऊपर। हमारे अच्छे मित्र हैं और इसके प्रवक्ता हैं। इनफैक्ट क्या है कि इनको इल्म नहीं है कि इन लोगों ने क्या कर दिया है देश का पिछले 70 वर्षों में। मैंने अभी शुरू में ही बताया कि 1950 में 593 जातियां शेड्यूल्ड थी और आज वो जातियां 1238 हो गई। ये सारी जातियां कांग्रेस के टाइम में 1238 तक पहुंच गई शेड्यूल कास्ट में। मैं अनुज जात्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जातियां इन 70 वर्षों में क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के साथ में होने वाले अत्याचार एट्रोसिटी उसका कभी प्रोटेक्शन नहीं किया, बल्कि आपने हमेशा प्रयास किया कि ये आपस में इनके साथ में एट्रोसिटी होती रहे, इन लोगों को और बढ़ाते रहे, शामिल करते रहे। इस तरीके से आपने जो हालात पैदा किए देश के अंदर शेड्यूल जातियों को बढ़ाने के, शेड्यूल कास्ट बढ़ाने के, शेड्यूल ट्राइब बढ़ाने के, आज 537 जातियां 638 जातियां शेड्यूल ट्राइब हैं, जो कि मुश्किल से जो है ना 350 जातियां 1950 में थी। तो ये सब जातियां बढ़ा कैसे दी, क्यों आप लोगों ने ये जो अनटचेबल इनको कहा, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 17 उसमें स्पष्ट लिखा है कि अस्पृश्यता का निवारण कर दिया गया। अब ये अस्पृश्य कहना या अस्पृश्यता रखना एक जघन्य अपराध होगा। क्यों नहीं आपने 1950 से अब तक जो शासन किया उसमें अस्पृश्यता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और साथ ही साथ मैं इस चीज का भी ध्यान दिला दूं कि इन्होंने जो कहा कि SC ST कमीशन हमने बनाया, ये SC ST कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो सरकार थी उस वक्त में हमने इसको बनाया था। तो ये ऐसा नहीं है
आपने कुछ नहीं किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी जिस वक्त में भाजपा और हमारे सहयोगी दल थे, हमने उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद क्या नाम है भारत रत्न के भारत रत्न दिया उनको, और तमाम जो प्रमोशन में रिजर्वेशन के इश्यूज सेक्शन 85, 86, 87 ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जो है इसको हमने लागू किया। आप लोगों ने तो इस समाज को समाज में उत्पीड़ित कराया और साथ ही साथ सरकार ने भी उत्पीड़न में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं समझता हूं इस पर राजनीति का इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा और आज भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इनके कब्जे में नहीं है और आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, जबकि खामियां गलतियां इनकी हैं। इनके राज्य में उत्पीड़न हुआ है, एक दलित बच्चे के साथ, शेड्यूल कास्ट बच्चे के साथ उत्पीड़न हुआ है और उसका ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। इनकी कथनी और करनी जो है बिल्कुल स्पष्ट है और देश इनकी इन हरकतों को देख भी रहा है। इन्होंने जो हालात पैदा किए डिविजन करने के, उसके लिए केवल और केवल कांग्रेस ही जिम्मेवार है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। अनुज जी, सवाल फिर कांग्रेस के ऊपर आ गया कि पूरा जिम्मेदार कांग्रेस है? देखिए शांत प्रसाद जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और मैं बहुत इनका सम्मान करता हूं निजी तौर पे, लेकिन थोड़ी सी चूक कर गए कहीं ना कहीं। राजनीतिक जब बात आती है तो हमारे तो मजबूरी हो जाती है इनकी बोलना। ये SC ST कमीशन 1976 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और मुझे नहीं लगता शायद वाजपेयी जी उस समय रामधन जी सबसे पहले कमीशन के चेयरमैन थे और ये 92 की बात है। देखिए आपने कहा कि आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने 1992 में, मैं शांत प्रकाश जी आपको मैं पूरा करेक्शन करता हूं, 89 में जब हमारी सरकार थी कांग्रेस इसके साथ में क्या नाम है वीपी सिंह जी के साथ में, हमने उस वक्त में इसको बनाया। वो भी गलत है, मैं वो भी आपकी बात करेक्ट करूं। उसके बाद में दोनों बातें आपकी करेक्ट, पहले कमीशन के चेयरमैन बने थे। मैं आपकी दोनों बातें करेक्शन कर देता हूं। उसके बाद जो इसका पहला वो आया था वो कांग्रेस में नहीं थी, 1992 में आया था। थोड़ा सा आप कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत से चैनल में बैठना पड़ता है हम लोगों की तरह से, तो थोड़ा सा मिसइंटरप्रेट ना हो। आपकी बात पे लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात यह कि देखिए ये प्रश्न यहाँ पर अभी तुतुंगा में करने का नहीं है। अपनी कमीज दूसरे कमीज से सफेद दिखाने का विषय नहीं है, ये एक विषय सामाजिक विषय है। इस समाज से हमको, अपने समाज से इस अभिशाप को खत्म करना है। शांत प्रकाश जी हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं कि आप ले लीजिए सारा क्रेडिट, आपकी तो सरकार ने, आपको ध्यान होगा इसी सरकार ने, वर्तमान की सरकार जो काम नहीं किया वो हम वर्तमान की सरकार, आपकी वर्तमान की सरकार ने तो SC ST एक्ट से छेड़छाड़ करने का, संविधान से छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया था। आपके ही RSS के जी और शांत प्रकाश जी, मैं दोनों 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 को एक मिनट के लिए रुकना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना, ये मेरा सवाल है कि हम जाति और धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करते रहेंगे इस देश में, ये है सवाल मेरा। अब ये किसने किया, किसने कौन सा एक्ट पास किया या नहीं किया, ये नहीं है यहाँ मुद्दा। यहाँ मुद्दा ये कि जाति या धर्म के नाम पर जो कुछ भी यहाँ एट्रोसिटी हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि उस पर राजनीति होती है और राजनीति कब बंद होगी धर्म और जाति के नाम पर। मैं सुरेश जी वही बोल रहा हूँ कि ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में, अब मैं फिर नाम लूंगा तो बुरा लगेगा शांत प्रकाश जी को, लेकिन वर्तमान में राजनीति का मूल आधार यही रह गया है कि किस तरह से बांटो, डिवीजन करो, क्योंकि देश की समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं। जिस तरह से हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी देश में एक आर्थिक इमरजेंसी का एक स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है, जिस तरह से लगातार देश जो है विनाश की स्थिति पे बढ़ता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले आप रुपए की वैल्यू देख लीजिए, आज बेरोजगारी देख लीजिए, आज गरीब देख लीजिए, गरीबी की हालत देख लीजिए। और सुन लीजिए मैं आपको, मैं शांत प्रसाद जी मुझे आप 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे मैं आपको सुनूंगा, मैं बहुत सम्मान से सुनूंगा, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। लेकिन हकीकत ये है, हकीकत ये है कि जरा बीच में प्लीज सुन लीजिए, एक एक करके बात करें हम थोड़ा सा, एक एक करके बात करें हम थोड़ा सा ठीक रहेगा। पॉलिटिकल डिबेट जो आप, जो मुद्दा है उससे हट करके रुपए पर जा रहे हैं और दूसरे मुद्दे पर, और कांग्रेस भाजपा का जो मुद्दा बन रहा है प्लीज इस पर बात न करें, क्योंकि इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो 75 साल में, आजादी के 75 साल के बाद दलित की क्या स्थिति है, उत्पीड़न की क्या स्थिति है और हम शर्मसार हैं या नहीं, उस मुद्दे पर बात करें।
तो बेहतर होगा, तो हम उसका कोई समाधान निकाल पाएंगे। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, जरा सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन लीजिए थोड़ा। मेरे देखिए ये समय अभी मेरे को बोलने के लिए कहा गया है, कृपया बीच में ना बोलिए, आप अपने समय में बोले मैं आपको सुनूंगा। जरा कृपया करके आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। राजीव जी ने मेरे से प्रश्न करा, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए ये निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर विषय है, हम इसी दलित उत्थान के ऊपर और दलित उत्पीड़न के ऊपर ही चर्चा करने बैठे हैं, लेकिन वर्तमान के जो देश के हालात हैं और जो जिस तरह से ये अभी मैंने बताया कि 9.5% जो है इसमें इसी सरकार के रेजिम में इन 8 वर्षों में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि दलितों के ऊपर उत्पीड़न के मामले ऑन रिकॉर्ड बढ़े हैं, ऑफ रिकॉर्ड की तो बात ही नहीं की जा रही। तो ये सब पीछे, इसके पीछे जो एक सुनियोजित तरीके से एक साजिश है, जो सुनियोजित तरीके से एक जिस तरह से ये लोगों का ध्यान भटकाऊ योजना पे चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे हैं जिस वजह से देश परेशान हो रहा है, जो मैं अभी बोल रहा था कि वो उन मुद्दों से विषयों से ध्यान भटकाने का भी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत सोची समझी साजिश है। जब ये चारों तरफ से घिर जाती है सरकार, जब ये बेरोजगारी पर, जब ये आर्थिक हमारी अर्थव्यवस्था की विनाशकारी नीतियों पर जब पूरी तरह से जब सवालों के ऊपर आकर के घिर जाता है, जब कोई जवाब नहीं आता, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों का मुद्दा लेकर आ जाते, कहीं ना कहीं अगड़े पिछड़ों का मुद्दा लेकर के आ जाते, कहीं ना कहीं देश से कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जो हमारी समाज को कलंकित करने वाला है, उसको राजनीतिक रूप से ये सामने पेश करते हैं और एक कहीं ना कहीं देश की चर्चा उस तरफ मोड़ देते हैं। हम चाहते हैं इन चीजों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से लगाम लगना चाहिए। ये एक भी ऐसा मामला किसी भी प्रदेश के किसी भी गांव में किसी भी कोने में कहीं भी नहीं होना चाहिए, हमें उस विषय पर काम करना चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, सरकारें कोई भी स्थायी नहीं होती है, ये सरकारें आज कोई भी है कोई सरकार स्थायी नहीं है। नीतियां स्थायी रहती है। अनुप जी का भी कहना है कि राजनीति जो है वो खेल चल रहा है, जिम्मेदारी आपकी। प्रकाश जी का कह रहा है, मैं आप क्योंकि राजनीति से जुड़े रहे हैं, समाज सेवी का भी है आप, तो सवाल आपसे कि क्या दलितों का कोई सामाजिक नेता है जो कभी जंतर मंतर पर इस मामले को उठा के लेके गया हो? देखिए सामाजिक नेता दलितों के बहुत हैं, नेतागिरी अपनी जगह है, लेकिन जो मुद्दे की वास्तविकता है वो अपनी जगह है। अब इस घटना पर भी लोगों ने राजनीति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सब अपने बात आ रहे हैं। धरने प्रदर्शन भी जो है 1 महीने बाद करना चालू करा है लोगों ने, जबकि 1 महीने पुराना मामला है ये। हाँ, तो उस समय वो जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा था ना बच्चा, तो लोग देख रहे थे कि इसके साथ क्या है। और बाकायदा जो जिसने उत्पीड़न किया है, जिस मास्टर ने उत्पीड़न किया है, वो मास्टर भी एकदम पहले तो उसने पीट दिया, फिर वो घबरा गया कहीं बच्चा मर ना जाए, तो उसने पैसा भी दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि वो 1 महीने संघर्ष चलता रहा, आज समाज के लोग जागरूक हो गए क्योंकि बच्चे की मृत्यु हो गई, और अब समाज के लोग यहाँ पर एक मुद्दा लेकर के चले हैं, और ये मुद्दा चूंकि ये मीडिया में आ गया, क्योंकि ये उछल गया, इसलिए ये मुद्दा आज राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। मेरा ये कहना है कि सरकार कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, क्योंकि हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार में, राजस्थान प्रदेश में हुए घटना के ऊपर बात कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी गांव में, अभी अत्रे जी ने जैसे बोला, किसी भी गांव में, किसी भी जिले में, किसी भी घर में कभी कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत आप अपने घर से करिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने घर से करिए कि पहले राजस्थान में एक भी मुद्दा ना उठे, उसके ऊपर आप सुनिश्चित करिए, कार्यवाही करिए। इस विषय, इस वाले केस में पर्टिकुलरली फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात जैसे भाई मनोज गोरकेला ने भी कही, और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप भी करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट ना एक होना चाहिए बल्कि हर जिले में होने चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, और 3 महीने के अंदर उस दोषी को सजा दिलानी चाहिए। और मेरा एक और ये कहना है कि जो समाज के जो नेता है, देखिए हम लोग अपने घर से जब निकलते हैं ना तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, यहाँ पे एक वास्तविक सामाजिक समस्या है। इस समस्या का समाधान यदि हम ये कहें कि फला गवर्नमेंट के काल में ये हुआ था और वर्तमान में मुद्दे बढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। जिम्मेदारी सबकी बनती है, हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और समाज के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि ऐसी घटनाओं में मिलजुल करके प्रयास करना है। मैं ये नहीं कहती कि एक नेता बड़ा या दूसरा नेता बड़ा, नेता सब अपने अपने तरीके से चाहते हैं कि समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। राज्य के सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को चाहिए, जैसे कि क्योंकि मैं समाज की बेटी हूँ, दलित समाज की भी हूँ और बेटी भी हूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, सरकार ने जैसे योजना निकाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले की सरकारों में योजना होती थी बच्चे बस दो ही अच्छे, परिवार नियोजन लागू करें, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या इस तरह के आगे बढ़ने के जो संदेश देते थे मंत्रालयों के माध्यम से, एक केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से योजनाएं निकलती थी,
मेरा ये कहना है कि दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकारें जिम्मेदारी लें, योजनाएं निकले कि कानून की जो जागरूकता है उसको पहुंचाया जाए, टैगलाइन बने सरकार की तरफ से, छुआछूत निरोध होना चाहिए, छुआछूत खत्म है, छुआछूत अपराध है, छुआछूत पीड़ित मानसिकता की निशानी है, छुआछूत बंद करो, अपराधी को दोषी को सजा दिलवाओ, इस तरह की टैगलाइन निकलनी चाहिए। और निकलनी चाहिए हरिता जी, लेकिन दिक्कत यह है कि जब दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर आज आरक्षण का मामला होता है, पदोन्नति की बात होती, तो दलित समाज के अधिकारी जो है वो सब इकट्ठा हो जाते, कर्मचारी इकट्ठा हो जाते और उसके लिए गांव देहातों से दलितों को इकट्ठा कर लिया जाता, क्योंकि यहाँ आज दलित समाज का एक बच्चा जो है वो मौत के मुंह में चला गया। इसीलिए मुझे नहीं लगता किसी भी अधिकारी या किसी कर्मचारी को इससे कोई लाभ है, सिर्फ बात करने के लिए है। जब उनका निजी स्वार्थ होता है तभी वो आगे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि अनुज जी ने भी कहा राजनीति चल रही है, संत प्रकाश जी ने भी कहा राजनीति चल रही है, राजनीति हर चीज में चल रही है, दलित खुद अपने आप जो है राजनीति करने के लिए मुझे लगता है आगे आ रहे हैं, अन्यथा कोई भी समाज का एक दलित समाज का नेता होता जो आज कहता चलो जंतर मंतर, क्योंकि सरकारें तभी हिलती है जब जंतर मंतर ये रामलीला मैदान भर जाता है। मुझे लगता है अभी दलित समाज को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बैठ करके तीनों कदमों जो बातें हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जंतर मंतर पर रामलीला मैदान भर करके संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आज आपके मंच से, राजीव जी, मैं आज आपके मंच से आह्वान देती हूँ, आप हमारे भाई समान है, आज मैं पूरे देश तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि चलो जंतर मंतर, चलो रामलीला मैदान, मैं सबसे आगे चलूंगी, मैं घर का मुंह नहीं देखूंगी, वापस घर नहीं जाऊंगी जब तक इस देश में से, इस समाज में से, इस प्रदेश में से अगर एक भी घटना ऐसी होती है तो मैं जो है उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ, पूरे समाज को, देश को आवाज उठाने की बात करी। अनुजात्री जी हमारे साथ जुड़े, अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ साथ संत प्रकाश जाते जाते कुछ कहना चाह रहे हैं, संत प्रकाश जी। नहीं, मैं अनुज अत्रे जी की ही बात पर जवाब देना चाह रहा था कि 1978 में एडवाइजरी बॉडी बनी थी और 92 में एससी कमीशन बना था, SC/ST कमीशन, जिसके रामधन जो हैं वो चेयरमैन बने थे। ये रहा विषय जो अभी कुछ मिसकंसेप्शन था अनुज अत्रे जी की वजह से, उस पर स्पष्टीकरण। और दूसरा, अभी जिस तरीके से बहन हमारी हरीश जी ने कहा कि रामलीला मैदान भरना और सड़कों पर जनता मंतर पर जाकर के, देखिए इनफैक्ट क्या है, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मुझे नहीं लगता कि हम आंदोलन से, मैं समझता हूं कि ये हमारे अंदर भीतर एक आंदोलन जो आपस में एक दूसरे को अवेयर करना, कहीं पर भी हम जो दूसरा वर्ग है जिसकी तरफ से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको भी समझाएं, उसको भी साथ लें और मिलकर के, केवल शेड्यूल कास्ट इकट्ठा होकर के इस एट्रोसिटी के खिलाफ जाएगा नहीं हो पाएगा। जब तक दूसरा वर्ग भी साथ नहीं होगा, सामान्य जाति के लोग भी साथ नहीं होंगे, तब तक समाज में जो सामाजिक समरसता है वो किसी भी सूरत में नहीं बन पाएगी। हमें इस काम करने के लिए, इस काम को करने के लिए सामान्य वर्ग के भी लोगों को साथ लेना होगा और मिलकर के हमें ये जो इस वक्त जो आपके पास सही है, क्योंकि निर्भया कांड जब हुआ था सभी हर घर से महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होकर के निकले थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल राजीव जी, मैं बिल्कुल आपके साथ, जिस प्रकार से श्याम प्रकाश जाटव जी मेरे बड़े भाई हैं, हमारी बहन ने बोला, सबने बोला, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, ये एक सामाजिक कुरीति है जो इसको हमें सब लोगों को एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ करके एक साथ होकर के इसको खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जहां जहां जिसकी दल की सरकार है वहां सरकार के माध्यम से, जहां जहां हम लोग समाज के माध्यम से, हम लोग सब लोग सामाजिक लोग भी हैं, ये केवल राजनीतिक ही मूल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक कुरीति है और हमें खत्म करना चाहिए। और इसको जितनी जल्दी इससे हम निजात पाएंगे, हमारा देश तभी और आगे तरक्की कर पाएगा, हमारी अगली पीढ़ी जो है और आगे तभी आगे बढ़ पाएगी। इस पैनल पर उपस्थित राजनीतिक राजनेताओं से मेरा तात्पर्य है, राजनेताओं से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इन चीजों पर राजनीति ना की जाए। जाति और धर्म के नाम पर जो हम लोग राजनीति करते हैं या इसको बढ़ावा देते हैं, ये सब ना किया जाए। और इसके अलावा मैं राजीव निशाना जी,
राजीव निशाना जी, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा कि हमारा मीडिया का क्या कर्तव्य बनता है, क्या रोल बनता है? एक इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं इन चीज़ों को, जब हम सुनते हैं ऐसी खबरें भी आती हैं यहाँ पर, तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है एक भारतीय होने के साथ। तो ये सब चीज़ें कब बंद होंगी, कब हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करनी बंद की जाएगी? देखिए पुष्पाकर जी, मीडिया के वजह से ये बच्चे वाला मामला जो है सामने आया, और इसके अलावा आपने अगर देखा होगा पीछे गुजरात के अंदर लास्ट ईयर जो है एक पुलिस वाले को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, वो मामला भी आपने देखा। जब मीडिया में आता है तभी सरकारें हिलती हैं, तभी प्रशासन हिलता है, अन्यथा सब लोग सोते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जब हम लोगों के पास खबरें आती है तो हम लोग उस खबर को दिखाते हैं, और कई बार ये भी देखना होता है कि खबरों के अंदर गंभीरता कितनी है और कितनी सच्चाई है। वो सब चीजें हम लोग करने के बाद ही खबर को प्रकाशित करते हैं और टेलीकास्ट करते हैं। अब गोरकेला जी यहाँ बैठे हुए, मुझे लगता है कि गोरकेला जी से एक मेरा सवाल यहाँ बनता है। गोरकेला जी, सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे बात हो रही है, जब मीडिया में आ जाता है तो सब सरकारें एक्टिव हो जाती हैं और FIR तक दर्ज नहीं होती। और पिछली सबसे बड़ी बात है जो मैं देख रहा हूँ, लास्ट 4 ईयर का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, प्रति वर्ष जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कब रुकेंगे? क्या इसके लिए कोई आपकी लॉ फर्म जो है जो सोशल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी मुकदमे एट्रोसिटी के मेरे पास आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग उस पर जो है अगर कोई जेन्युइन गरीब है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। द प्रॉब्लम कहाँ है? हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में। हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई एट्रोसिटी का एक्ट का मुकदमा होता है तो व्यक्ति हाईकोर्ट जाके उसको क्वेश्चन करा लेता है। हाईकोर्ट में कोई हमारे जो पैनल नहीं है वहां पर, तो पहली अपील तो मेरी ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, शुरुआत इसकी चाहे राजस्थान गवर्नमेंट करे, चाहे कोई भी सरकार करे, कोई भी राज्य सरकार करे, एक पैनल होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 वकील होने चाहिए जो एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे देखें, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि सरकारी वकील के साथ साथ सेक्शन 302 CRPC का फाइल करके एक पीड़िता का वकील भी उसमें इंटरफेयर कर, असिस्ट कर सकता है कोर्ट को, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी मेरी बात है, पॉलिटिकल लोग बोलते हैं ना, पॉलिटिकल मत बनाओ इसको। मैं आपको बताता हूं, कुछ मुकदमे मेरे पास ऐसे आए जिसमें ना मीडिया सुन रही थी, न वहां का कोई व्यक्ति सुन रहा था, न लोकल जो है कोई व्यक्ति MLA सुन रहा था। उस व्यक्ति ने सीधे दूसरी अपोजिट पार्टी के पास गया, वो अपोजिट पार्टी ने उसको मुद्दा बना दिया, जो मुद्दा पूरे स्टेट में गूंज गया, और उसके गूंजने से FIR भी हो गई, चार्जशीट भी हो गई, और वो कन्विक्शन भी हो गया और सारा काम हो गया। तो जाटव साहब हमारे बीच में है, मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में अगर इसको बीजेपी अगर इसको नेशनल मुद्दा नहीं बनाती तो ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाता, वहीं डेड हो जाता। और मुकदमे में आपको क्या लगता है हॉस्टाइल होने में कितने मिनट लगते हैं? 161 के बयान जो है कोर्ट में एडमिशेबल नहीं है, लेकिन वन जो कोर्ट के अंदर बयान होते हैं आज की डेट में इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है उस लड़की के साथ। गोरकेला जी, हॉस्टेल की बात करें तो सबसे बड़ी बात है परिवार के पास पहले ही जो है ओवरऑल ये कहना है आज के इस डिस्कशन से, मेरी 4 रिक्वेस्ट है आपसे। पहली रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के मुकदमे पैनल बने। दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि राज्य सरकार और जो है अगर राज्य सरकार जब अपने मुकदमों अपने MLA MP के मुकदमों में बड़े बड़े लॉयर रखती है तो इस केस में भी स्पेशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट का सीनियर काउंसिल अपॉइंट होना चाहिए। दो, तीसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जो है फास्ट ट्रैक में डाला जाए और इसमें इन्वेस्टिगेशन सही से किया जाए, और ये मेरी रिक्वेस्ट है। चौथी, पांचवी चीज रही बात पॉलिटिकल इशू होना चाहिए हर मुकदमे में, तभी तो ये मामला नेशनल मैटर पे जाएगा। पॉलिटिकल इश्यू नहीं होगा तो और नेशनल न्यूज पे नहीं आएगा तो ये मामला वहीं दफन हो जाएगा, पॉलिटिकल इशू। और इसीलिए हमारा संविधान में क्या है, अगर एक पार्टी कुछ प्रपोजल देती है तो दूसरी पार्टी अपोज करेगी, एक पार्टी अगर वो करती है तो दूसरी पार्टी करेगी, इसीलिए तो चीजें सामने आएंगी, इसीलिए तो 140 करोड़ लोगों को ये मैसेज जाएगा। और मेरा ये कहना है अगर कुछ मामले अगर एट्रोसिटी के मामले अगर पॉलिटिकल इश्यू नहीं लेते हैं तो उनमें मुकदमा नहीं होता वो मैटर। ऐसे कितने मर्डर हुए होंगे, कितने लोग लुप्त हुए होंगे, वो पॉलिटिकल मामला नहीं बना, वो मीडिया में नहीं आया इसलिए लुप्त हो गया। यही मेरा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, आपने 4 मुद्दे उठाए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है इन 4 मुद्दों को लेना चाहिए, और जिसके वजह से कम जो अपराध बढ़ रहे हैं दलितों पर उसको एक लगाम लगेगी और रुकेंगे। संत प्रकाश जाटव जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं प्रीता हरी जी के पास आ रहा हूं। नहीं, मैं इनकी भरोजी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए पॉलिटिकली किसी भी इशू पर अपनी बात को रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जाहिर सी बात है हम
एक सशक्त प्रहरी के रूप में एक दूसरे के सामने काम करते हैं, हम सरकार में हैं तो विपक्ष प्रहरी के रूप में काम करता और विपक्ष अगर कहीं पर सरकार में तो हम प्रहरी के रूप में काम करते, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें इसको ऐसा नहीं कि भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर ये बहुत जरूरी है एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाने के लिए और जहां ज्यादा से ज्यादा सामान्य स्थितियां बने इस चीज के लिए भी। और इसके अलावा मेरा तो फिर से वही एक गुजारिश है कि सर्व समाज को इकट्ठा होकर के समाज की त्रुटि के लिए इकट्ठा होना चाहिए और इसको खामी को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सभी को इकट्ठा होकर के आवाज उठानी चाहिए। प्रीता हरि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं समाधान बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं समाज की बेटी हूँ, तो सामाजिक समाधान पहले बताना चाहती हूँ। सरकारें तो इस देश में हमेशा रही है और सरकारों के रहते हुए उत्पीड़न बढ़ा है। समाज के नागरिक होने के कारण, दलित समाज की बेटी होने के कारण मेरा ये कहना है कि समाज को इस बारे में सशक्त होना पड़ेगा। जिस तरह से मैं सशक्त हो गई या मेरे जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं वे सशक्त हो गए, हम लोगों के साथ दलित उत्पीड़न नहीं होता। मेरा ये संदेश है अपने सभी जो हमारे वंचित अभी भी हैं, जो अभी भी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर हैं, कि उनको हमें अपने साथ सशक्त करके लाना पड़ेगा, तभी वे भी जागरूक होंगे और उनके साथ मजाला कोई जाति सूचक शब्द बोल पाएगा या उनका उत्पीड़न कर पाएगा या बच्चे की पिटाई हो, इतनी पिटाई हो जाएगी कि वो जान से हाथ धो बैठेगा। तो सामाजिक दृष्टि से हमें सशक्त होना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि चूंकि मैं सरकारी अधिकारी भी रही हूं, तो सरकारों का ये कर्तव्य बनता है, बल्कि डायरेक्टिव्स निकलने चाहिए कि हर मंत्रालय में समय समय पर ट्रेनिंग्स होने चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, जहां पे उत्पीड़न जाति के आधार पर उत्पीड़न या शोषण ये गैर कानूनी है, ये बंद है, छुआछूत अपराध है, उसके ऊपर डिस्कशंस होने चाहिए, हर महीने उसकी रिपोर्ट जानी चाहिए। जैसे हम लोगों की जो एनुअल जो सीआर जाती थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जाती थी, तो उसमें हम उसमें लिखते थे कि हमसे सबॉर्डिनेट ऑफिसर हमारे की जाति के प्रति उसकी क्या सोच है, वो कहीं जातिगत उत्पीड़न तो नहीं करता, तब उसको उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उसको 10 में से 10 या 9, 8, 5 जो भी नंबर मिलते थे तब मिलते थे। तो मेरा ये कहना है कि हर मंत्रालय में इस तरह के रिफ्रेशर कोर्स लगने चाहिए। मगर ये बात है, ये अर्बन मुद्दा है, ये शहरी मुद्दा है। मैं उस जगह की बात करती हूँ जहां ये घटनाएं घटती हैं, यानी गांवों में, देहातों में, ऐसी जगह जहां सड़क भी नहीं है। आज भी ऐसी स्थिति है कि पीने के पानी के लिए कई कई कोस जा करके महिलाएं पानी भर के लाती हैं। मेरा वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो वहां का जो लोकल सेटअप है, यानी कि पंचायत है या जिला के नीचे गांव के स्तर पर जो ब्लॉक के स्तर पर जो काम होता है, वहां पर जो वहां का संबंधित एमएलए है या वहां का एमपी है, ये उसके अंडर काम आना चाहिए। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, भले ही उनकी हो या न हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हर गांव को कनेक्ट करके रखे। हर गांव से 5, 10, 15, 21 आदमियों की ऐसी समिति हो जो इन चीजों पर नजर रखे। जैसे मेरे से पहले एक भाई ने बोला कि दूसरी जातियों के सामान्य व्यक्तियों को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो उस 21 व्यक्तियों में हर व्यक्ति हर जाति का प्रतिनिधि हो और एक पंचायत के तौर पे हर सुबह हर संडे स्कूल, जैसे संडे को रविवार को ईसाइयों की यहाँ पे स्कूल लगता है, वहां पर चर्च में जाकर के भगवान के गुणगान किए जाते हैं, इसी तरह से हर गाँव में हर रविवार के दिन बैठ करके हर व्यक्ति वहां मौजूद हो और उसके साथ यदि कोई किसी भी तरह का सामाजिक आर्थिक किसी भी तरह का शोषण या उत्पीड़न होता है तो उस पर विचार विमर्श हो और गांव के ब्लॉक के जिले के ऊंचे आला अधिकारी वहां मौजूद रहें और उसको वहीं उसी समय पर रोका जाए, उसका निपटारा किया जाए कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, सरकारी तरीके से उसका निपटारा किया जाए। ये मेरा अधिकारी होने के नाते ये मेरा संदेश है। और क्योंकि मैं समाज की बेटी होने के कारण नौकरी छोड़ करके राजनीति में आई हूँ, मैं राजनीतिक दृष्टि से मैं अपने सभी राजनीतिक भाइयों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि हम भले ही किसी भी पार्टी के हों, हम सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, हम सबसे पहले उस जाति से उठकर के आए हैं जिस जाति में हम, मैंने भी सहा है, आपने भी सहा होगा, कभी ना कभी जाति सूचक शब्द अपने लिए सुना होगा, हमने भी अलग अलग स्तर पर जातिगत उत्पीड़न सहा होगा, सहा है। तो आज हम यहाँ बैठे हैं,
तो सबसे पहले हमारी जो एक हमारी जो वफादारी है वो अपनी जाति के प्रति है, ये सामान्य व्यवहार है, इंसानी व्यवहार। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कम से कम कोई ना कोई ऐसा एक बात और कहना चाहूंगी कि राज्यों की सरकारों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार से उनको डायरेक्शन जाना चाहिए। जिस तरह से बेटी बचाओ अभियान पूरे देश में चला और जिस तरह से हर टू व्हीलर थ्री व्हीलर पर लिखा रहता है कि ये थ्री व्हीलर या ये गाड़ी या ये टैक्सी महिलाओं का सम्मान करती है, उसी तरह से एक पॉपुलैरिटी इस बात को दी जानी चाहिए कि छुआछूत अपराध है, जाति के आधार पर शोषण व उत्पीड़न को समाप्त होना करना है और ये सरकारें इसकी जिम्मेदारी उठाएं। बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी हम करें तो कोई ताकत नहीं है जो हमें फिर से हमें पीड़ित कर जाए या हमारे बच्चे को इस तरह से थप्पड़ मार के उसको जान से हाथ धोना पड़े। तो मैं आपको बहुत बहुत इस मैं आपसे बहुत उम्मीद करती हूँ राजीव जी और भाई पुष्पांकर जी, मैं आपसे बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपके मन से ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर दृष्टि से जब हम चाक चौबंद करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊंगा, लेकिन शायद मुझे लगा सिग्नल की दिक्कत रही थी जी, मैं देख रहा था जी। राजीव जी मैं ये मंत्री अगर जुड़ते हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं समाज की बातें जाती हैं कि भाई क्या हो रहा है समाज के अंदर, समझिए दलित समाज के साथ हो रहा है, ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। और जैसा संत प्रकाश जाटव जी ने कहा कि सबको इकट्ठा होकर के चलना पड़ेगा, वही बात प्रीता हरित जी ने भी कही है कि जी। राजीव जी मैं प्रीता हरित जी की ही बात में को आगे लेकर चलना चाहूंगा एक थोड़ा सा। प्रीता हरित जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये एक सामाजिक बुराई है और इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा, समाज को उठना पड़ेगा। और राजनीतिक दलों को, क्योंकि हम समाज सामाजिक लोग हैं, एक मीडिया पर्सन होने के नाते राजीव जी आप भी एक दलित वर्ग के लिए काम कर रही हैं प्रीता हरित जी, और हमारे मनोज जी ये एक लॉयर के नाते भी ये इस तरह के मुद्दे लेकर चलते हैं, और हमारे साथ शांत प्रकाश जी हैं, जाटव जी ये भी उसी वर्ग को के लिए काम कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए एक इनका विंग है भारतीय जनता पार्टी में, उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि हम लोग इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर हम मिलकर कोई विचार विमर्श करें और उसको हम एक साथ लेकर चलें। एज ए मीडिया पर्सन मैं ये अपनी जिम्मेवारी उठाऊं, राजीव जी उठाएं और प्रीता हरित जी अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी है जो उसके तौर पर भी, और जो मनोज जी हैं, मनोज जी एक लॉयर के नाते और शांत प्रकाश जी एक राजनेता होने के नाते, राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण हम लोग सब मिलकर जो इस वक्त पैनल पर हैं, एक कसम खाएं, आज ये शपथ लें कि इस बुराई को हमें जड़ से मिटाना है। राजीव जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मंच पर हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रीता हरित जी, शांत प्रकाश जाटव जी, मनोज जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी आपका खास धन्यवाद, आपने सबको इस मंच पर एक साथ लाने का जो प्रयास किया है, धन्यवाद। बहुत धन्यवादी हूँ समाचार वार्ता की ओर से। धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।